अचानक नहीं लेना है तो क्या पूछ जांच कीजिएगा, जाएगा थाना पूछ जांच कीजिएगा, कोनो चोर चिल्लर है जो भाग जाएगा। चोर चिल्लर की बात है, किसी से मार मार के किसी का बेटा का नाम जो है उगलवाइएगा आप लोग। महिला है और सरकारी आवास में घुस गए, क्यों इस तरह से कर रहा है प्रशासन? देखिए नाराज है, बहुत गुस्से में है, सरकार में नहीं है इसी का, सरकार का ही जो है गुस्से में है, इस तरह से कर रहा है। नहीं बुलाएंगे, थाना में पूछताछ करते रहिएगा, थाना जाएगा, जहाँ थाना है भवानीपुर जाएगा वहाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जदयू की पूर्व विधायिका और राजद की लोकसभा प्रत्याशी बीमा भारती के घर आज अचानक पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद बीमा भारती का पारा हाई हो गया। आपको बता दें पूरा जो मामला है वो बीमा भारती के बेटे से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए पूछताछ करने के लिए बीमा भारती के घर आज पुलिस अचानक पहुंच गई, जिसके बाद बीमा भारती काफ़ी गुस्से में आ गई और उन्होंने पुलिस से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इस तरीके से आप लोग घर के अंदर कैसे घुस गए, अचानक बिना बताए आप लोग घर आकर ऐसे पूछताछ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में 2 जून को हुए व्यवसायी गोपाल यादुका की मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले का तार रुपौली के 5 बार विधायक और लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती के बेटे से जुड़ा है। इन सब के बीच आज पटना में बीमा भारती के सरकारी आवास पर पुलिस पहुंच गई और उनके बेटे की तलाशी के लिए पूछताछ करने लगी। इस दौरान पूर्व विधायिका भड़क गई, उन्होंने पूछा किसकी परमिशन से अंदर घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। वहीं पटना सचिवालय थाना अध्यक्ष ने बताया कि भवानीपुर थाना की पुलिस छानबीन करने आई थी और चली गई। आपको बता दें जिस दौरान बीमा भारती के घर पे पुलिस पहुंची थी उस वक्त उनके बेटे घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बीमा भारती काफ़ी भड़कती नजर आई। क्या कुछ कह रही थी, उनका ये बयान सुने। देखिए हम लोग सुबह सुबह भेंट करने गए थे, हमारे भाई जो है कलकत्ता से आए थे, उनसे भेंट करने गए थे, भेंट हुआ। हमारे जो पितातुल है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले, सबसे परिवार से मिल करके हम आए हैं घर। और घर आने के बाद जो है कि कुछ मीडिया के लोग आए थे, साथ में बैठ के बात कर रहे थे, चुनाव पर चर्चा हो रही थी। इतने में जो है कि फोर्स जो है कि घर घुस गया बिना लॉक किए, ऐसे ठकठकाए हुए। हम महिला हैं, पूर्व विधायक हैं, और इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया, ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आतंकवादी है क्या? इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, ये राजनीति के तहत सरकार ने जो है कि एक बीमा भारती मिला है परेशान करने के लिए, उसको इस तरह से हमारा बेटा को फंसाया गया मर्डर केस में। ये सब जो है सरकार का जो है ना इशारा है, सरकार की इशारा पर यह पुलिस डांच रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि हमको भी जेल करिए, हमको भी फंसाइए उस मर्डर केस में, बेटी को भी फंसाइए, चार परिवार है ना, चारों परिवार को जेल भेज दीजिए। क्या लग रहा है नीतीश कुमार से जो है आज जो है अपराधी बढ़ रहा है बिहार में, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है, हम लोग आवाज उठाते हैं, सरकार में रह करके गोली हत्या हो रहा है। आज व्यवसायी का हत्या हुआ भवानीपुर में, तो हमारा पति सबसे पहले गया बाजार बंद करने के लिए, सबसे पहले आवाज उठाया, पोस्टमार्टम शायद हम दोनों माए बेटा दोनों गए हैं भवानीपुर में, हजारों लोग के संख्या में वहाँ पर भेंट करके हम आए हैं उसके परिवार से, और इस साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है, बेटा को हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, हमारा पति को फंसाएगा। जमीन विवाद में हमारा बेटा का क्या होता, 18 साल का बेटा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसका लाइफ खराब किया, आराम सेट दे करके जेल भेजवाने का काम किया। जब एक सप्ताह बचा चुनाव के तो बाहर हुआ जेल, जेल से बेल करवाए हम, मेरा पति 10 दिन हुआ है जेल से आया है, आज जब फिर फोर्स आ गया मेरे घर पर यहाँ पटना में सरकारी आवास पर, क्या बीमा भारती डर जाएगी कि मर जाएगी कि दफन हो जाएगी, धरती तर में धस जाएगी? धसने वाली नहीं है, लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हम तो पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करेंगे, पूर्णिया के SP साहब से, कि निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, जो जाँच में पकड़ाएगा चाहे वो हमारा बेटा रहे हमारा पति रहे कोई भी रहेगा जेल जाएगा। लेकिन अब अभी बिना जांच हुए
आप आ गए मेरे घर पर, हम भी किसी का नाम दे सकते हैं तो आप उसको उठा लीजिएगा। कोई वारंट नहीं था, न महिला फोर्स था उसके साथ में। क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ रहा है आप लोगों को? महंगा क्या पड़ेगा, जहां हमको सम्मान दिया वहां हम आए अपने घर में, इसमें क्या होगा, महंगा क्या पड़ेगा। राजनीति करना है तो ये जो है कि सब जो है अंधर तूफान आंधी तूफान ऐसे आएगा जाएगा, लेकिन बीमा भारती आंधी तूफान से डरने वाली नहीं है। सीएम नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ेंगे, जेल भेजवा दे। तो आपको बता दें इस पूरे मामले में जो मिस्ट्री थी, जो मर्डर मिस्ट्री थी, इसको पुलिस ने सुलझा लिया है और इसके तार सीधे तौर पर बीमा भारती के बेटे से जुड़े हुए थे, जिसको लेकर ही ये पूरा हंगामा हुआ है। पुलिस आज उनके बेटे की तलाश करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए बीमा भारती के घर पहुंच गई, उससे संबंधित पूछताछ करने के लिए पुलिस बीमा भारती के घर पहुंचती है, जिसके बाद बीमा भारती जैसा कि आपने सुना बेहद गुस्से में नजर आ रही थी, पुलिस से भी लगातार सवाल पूछ रही थी कि अचानक इस तरीके से बिना नोटिस के आप लोग पूछताछ करने कैसे आ सकते हैं, किसकी परमिशन से आप लोग अंदर घुस सकते हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है बीमा भारती, साफ कह रही है कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, जानबूझकर मुझे परेशान किया जा रहा है, लेकिन मैं बीमा भारती हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ, अगर इनकी हिम्मत है तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को ये लोग जेल भेज सकते हैं, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मरने वाली नहीं हूँ। घर पर पुलिस पहुँचने के बाद बीमा भारती दहाड़ती नजर आई, बड़ी बात कहती नजर आई, तो वही नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाती नजर आई। इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है, इससे भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।